नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बिट्टू को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी भागदौड़ करनी पड़ी। बिट्टू को तावड़ू क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ने उसके घर से हिरासत में लिया। उसके खिलाफ भड़काऊ बयान देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई। गिरफ्तारी के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फरीदाबाद में नू की क्राइम ब्रांच की टीम सादे कपड़ों में हथियारों से लैस तीन गाड़ियों के काफिले में बिट्टू के घर पहुंचती है। टीम को देखकर बिट्टू भागने लगता है। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी भी बिट्टू के पीछे भागने लगते हैं और भारी भरकम शरीर वाले बिट्टू को पकड़कर लाया जाता है। एक पुलिस कर्मी उसके कॉलर को पीछे से पकड़कर उसके धकियाता हुआ लेकर आ रहा है। जहां बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई, इस गली में पूरी अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में लुंगी पहने बिट्टू बजरंगी पुलिस वालों के साथ दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 दंगा, 149 गैर कानूनी सभा, 323 चोट पहुंचाना, 353 186 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना, 395 397 सशस्त्र डकैती, 506 आपराधिक धमकी और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। भड़काऊ भाषण देने या भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे। अधिकारी ने बताया कि हिंसा के दौरान बजरंगी और उसके सहयोगी हथियारों को हवा में लहरा रहे थे। एएसपी कुंडू ने हथियारों को जब्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने पुलिस वाहन से हथियार छीन लिए और कथित तौर पर पुलिस को धमकी भी दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी का घर हरियाणा के ही फरीदाबाद में है। बिट्टू उसका घर का नाम है, असली नाम है राजकुमार। हनुमान भक्त होने की वजह से लोग उसे बिट्टू बजरंगी कहने लगे। इसके बाद उसे इसी नाम से जाना जाता है। बिट्टू बजरंगी खुद को गौरक्षक बताता है। बिट्टू गौरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष भी है। इस संगठन ने ब्रज मंडल यात्रा में आने की अपील वाले पोस्टर भी बांटे थे। जिस दिन नू में हिंसा हुई थी, उसी दिन बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बिट्टू को कहते सुना जा सकता है कि ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, फूल माला तैयार रखना, जीजा आ रहे हैं, बिल्कुल 150 गाड़ियां हैं। इस मामले में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ नामजद FIR भी हुई थी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।